Welcome students, this is my Assistant Professor, VCA Department, Jamsatpur Cooperative College. In previous lessons, we have discussed about basic concepts of linked list. In today's session, we will going to learn about different types of linked list. We will also learn singly linked list with detail. So, let's begin with types of linked list. So, uh, we have uh, three types of linked list. The first one is singly linked list, that is SLL. Second one is doubly linked list that is DLL, and the third one is circular linked list that is CLL. So, let's uh, we will discuss all these three in brief. Singly linked list. Singly linked list contains nodes which have a data part as well as an address part that is next, which points to the next node in sequence of nodes. The operations we can perform on singly linked list are insertion deletion and traversal now you can see uh, in the figure we have three nodes that is node 1 this one node 2 and node 3 in singly linked list, link list apart from data value we have an address part which contains the address of next node okay? सो so, ये जो नेड है इसका एड्रेस कहाँ रहेगा यहाँ पर रहेगा और ये जो थर्ड नोड है इसका एड्रेस यहाँ पर रहेगा ये एड्रेसेस कैसे असाइन होता है और एक नोड का दूसरा नोड में और इसके बारे में मैंने अपने पिछले दो वीडियोस में डिस्कस किया है तो आप उन दोनों वीडियोस को ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए तो आपको सिंगली लिंक लिस्ट ईजिली समझ में आ जाएगा ओके

स्टोर करेगा तो अगर डब्लिक लिस्ट में फर्स्ट नोड अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट नोड का प्रीवियस जो नोड है इसका पहले कोई नोड नहीं है तो इसमें नल स्टोर रहेगा और इसका नेक्स्ट नोड में सेकेंड नोड का एड्रेस ये वैल्यू यहाँ पर स्टोर रहेगा सिमिलरली जो सेकेंड नोड है इसका प्रीवियस यहाँ पर ठीक है प्रीवियस पार्ट में जो प्रीवियस नोड है इसका एड्रेस स्टोर होगा ओके और जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें थर्ड नोट जो है इसका एड्रेस स्टोर होगा तो हर एक नोट जो है दो एड्रेसेस को पॉइंट करेगा एक प्रीवियस नोट का एड्रेस को और एक नेक्स्ट नोट का एड्रेस को तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोट होगा उसका नेक्स्ट जो पार्ट है यानी जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसका एड्रेस पार्ट जो है उसमें कुछ भी नहीं रहेगा डेट इज वो नल रहेगा क्योंकि उसके बाद कोई नोट नहीं है तो उसका नेक्स्ट जो पॉइंटर है उसमें नल वैल्यू स्टोर रहेगा ठीक है तो डबली लिंक लिस्ट को इसको हम लोग आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आ, वीडियोस में जो तीसरा लिंक लिस्ट का टाइप है वो है है वो सर्कुलर सर्कुलर लिंक सर्कुलर लिंक लिंक लिस्ट 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 जो है, ये भी सिंगली की तरह ही है लेकिन इसमें एक क्या डिफरेंस है इसमें डिफरेंस ये है कि जो लास्ट नोड होगा इसमें भी एक ही एड्रेस पार्ट होगा नेक्स्ट जो कि नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट जो नोड है उसका एड्रेस स्टोर करेगा ठीक है इस तरीके से लेकिन जो लास्ट नोड है अब सिंगली लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड होता है उसमें नल वैल्यू स्टोर होता है वो किसी को पॉइंट नहीं करेगा उसे पता चलता है कि वो लास्ट नोड है लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड का एड्रेस पार्ट है उसमें किसका एड्रेस रहेगा उसमें जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस रहेगा ठीक है तो लास्ट नोड का थ्रू फिर से हम लोग फर्स्ट नोड को एक्सेस कर सकते हैं तो ये एक सर्कुलर वे में हम लोग नोड uh, का एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं तो ये है सर्कुलर लिंक लिस्ट अब ये जो तीन हम लोग का लिंक लिस्ट हो गया तो हम लोग आज हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट जो है इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि किस तरह से उसमें हम लोग इंजर्स करते हैं और किस तरह से हम लोग नोट क्रिएट करते हैं तो पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो सिंगली लिंक लिस्ट में होंगे द फर्स्ट पॉइंट है इन दिस टाइप ऑफ लिंक लिस्ट टू सक्सेसिव नोट आर लिंक टुगेदर इन लीनियर फैशन तो एक आ, जो नोट है वो सेकेंड नोट से लिंक रहता है सेकेंड नोट थर्ड से लिंक रहता है तो लीनियर फैशन में नोट जो है आपस में लिंक रहता है सेकेंड पॉइंट है ईच नोट कंटेन एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोट टू बी फॉलोड ये मैंने पहले ही बता चुका है और तीसरा पॉइंट है इन सिंगली लिस्ट ओनली लीनियर और फॉरवर्ड सिक्वेंशियल मूवमेंट इज पॉसिबल अब इसका क्या मतलब है क्योंकि हर एक नोट में जो नेक्स्ट नोट है उसका एड्रेस रहता है हर एक नोट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें नेक्स्ट नोट का ही एड्रेस स्टोर होता है तो हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट ही पॉसिबल है यानी फॉरवर्ड यानी नेक्स्ट जो फॉरवर्ड जो आगे के नोट्स हैं उसको ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं सिक्वेंशियल मैनर में ओके okay? हम लोग बैकवर्ड नोट का एड्रेस को एक्सेस ट्रैक नहीं कर सकते हैं ओके okay? अगर हम लोग एक्सेस करते हुए सपोज थर्ड नोट तक पहुंच चुके हैं तो थर्ड नोट के बाद फोर्थ नोट को एक्सेस कर सकते हैं थर्ड नोट के बाद सेकंड नोट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं फोर्थ पॉइंट है एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड सिक्वेंशली नो डायरेक्ट एक्सेस इज अलाउड थी? तो डायरेक्ट रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते सपोज सेकेंड नोट तक हम लोग पहुंच गए सेकंड नोट का एड्रेस हमको मालूम है तो हम थर्ड नोट को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली सेकेंड नोट से फोर्थ नोट या फिफ्थ नोट एक्सेस नहीं कर सकते हैं ओके फिफ्थ पॉइंट इज इट इज मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिस्ट इन सी एन सिप्लफे तो ये सबसे बेसिक और सिंपल

एक सक्सेसर नोड होगा और प्रीड्यूसेसर नोड होगा अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट नोड एंड लास्ट नोड द फर्स्ट नोड डज नॉट हैव है फर्स्ट नोड का कोई प्रिड्यूसेर नोड नहीं होगा एंड द लास्ट नोड डज नॉट हैव एनी सक्सेसर लास्ट नोड का कोई सक्सेसर नोड नहीं होगा लास्ट नोड सक्सेसर रेफरेंस नल तो लास्ट नोड का कोई भी सक्सेसर नहीं होगा तो लास्ट नोड किसको पॉइंट्स करेगा किसको रेफर करेगा और नल को रेफर करेगा थर्ड पॉइंट इज इन द अबव दबॉब लिस्ट वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ नोड्स तो फर्स्ट नोट हो सकता है लास्ट नोट हो सकता है फर्स्ट नोट यानी हेड नोट लास्ट नोट यानी कि टेल नोट एंड इंटरमीडिएट नोट्स जो इन बिटवीन नोट्स है बिटवीन हेड नोट एंड टेल नोट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट नोट्स इलेवेंथ पॉइंट इज सिंगली लिंकलिस्ट एक्सेस इज गिवेन ओनली इन वन डायरेक्शन दस एक्सेस इन सिंगली लिंकलिस्ट इज यूनि डायरेक्शनल तो क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड एक्सेस ही कर सकते हैं फर्स्ट नोट का एड्रेस पता है तो हम लोग और सेकंड फिर सेकंड से थर्ड फिर थर्ड से फोर्थ तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनी डायरेक्शनल होता है ये सिंगली लिंकलिस्ट हम लोग और बाई डायरेक्शनल दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते एलिमेंट्स एक्सेस नहीं कर सकते एंड द लास्ट पॉइंट इज वी कैन हैव मल्टीपल डेटा फील्ड इन साइड नोट बट वी हैव ओनली सिंगल लिंक फॉर नेक्स्ट नोट अब इसका क्या मतलब है जब भी हम लोग कोई नोट को ड्रॉ करते हैं या नोट को हम लोग समझते हैं तो अगर ये नोट है तो हम लोग अभी तक ये समझ रहे थे कि इसमें दो पार्ट होता है एक डेटा पार्ट ओके ये हो गया डेटा पार्ट और ये हो गया लिंक पार्ट यानी एड्रेस पार्ट जिसमें हम लोग एड्रेस स्टोर करेंगे ओके तो ये जो डेटा पार्ट में जरूरी नहीं कि उसमें कोई एक ही डेटा फील्ड रहेगा ये डेटा पार्ट का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स जैसे यहाँ पर एक आ, सपोज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग नोट क्रिएट कर रहे हैं तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में अगर हमको केवल रोल नंबर स्टोर करना है तो केवल एक ही वेरिएबल हो सकता है रोल अगर हमको रोल नंबर नेम मार्क्स ये सारे वेरिएबल्स को स्टोर करना है तो डेटा पार्ट में ये तीन डेटा फील्ड हो सकते हैं जो लिंक पार्ट है वो एक ही होगा जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस को स्टोर करेगा तो डेटा पार्ट में मल्टीपल वेरिएबल्स यानी डेटा फील्ड्स हो सकते हैं और लिंक पार्ट में केवल एक ही पॉइंटर होगा जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस को स्टोर करेगा तो इसी का मतलब है कि वी कैन हैव मल्टीपल डेटा फील्ड्स इन साइड बट वी हैव ओनली सिंगल लिंक फॉर नेक्स्ट नोड ओके समझ में आ गया होगा तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में है जो आपको याद रखना होगा नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द वेरियस ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म ऑन सिंगली लिंक लिस्ट ओके तो फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट नोड तो लिस्ट का नोड को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे ये पिछले वीडियोज में भी मैंने डिस्कस किया था तो यूजिंग स्ट्रक्चर और सी प्लस प्लस क्लासेस हम लोग नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे एंड द सेकेंड ऑपरेशन इज इंजर्टिंग और एडिंग नोट अब इंजर्सन या एडिशन ऑफ नोट जो है लिंक लिस्ट में सिंगली लिंक लिस्ट में हम लोग तीन तरह से कर सकते हैं इंजर्सन ऐट द स्टार्टिंग यानी हेड नोट की तरफ से इंजर्सन एट द एंड यानी टेल नोट की तरफ से और इंजर्सन एट मिडिल दैट इज आफ्टर और बिफोर अ गिवेन नोट यानी यूजर के च्वाइस के बेसिस पर हम लोग इन बिट्वीन हम लोग कहीं भी इंजर्सन ये भी कर सकते हैं नेक्स्ट uh, जो ऑपरेशन है डिलीशन डेट इज रिमूवल ऑफ नोट्स तो रिमूवल ऑफ नोट भी हम लोग फर्स्ट नोट यानी हेड नोट या या को, कर सकते, पर, uh, को कर सकते हैं रिमूव या लास्ट या टेल नोट को रिमूव कर सकते हैं या इन बिटवीन जो यूजर चॉइस है उसका बेसिस पर फर्स्ट नोट या लास्ट नोट के अलावा हम लोग कहीं से भी नोट को डिलीट कर सकते हैं ठीक है और लास्ट जो हम लोग हम, हमारा ऑपरेशन है ट्रेवर्सल यानी डिस्प्ले ऑफ नोट्स ओके तो हम लोग फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्रिएशन ऑफ लिंकलिश नोट हम लोग कैस तरह से नोट्स को क्रिएट करेंगे यूजिंग स्ट्रक्चर तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है एग्जाम्पल ऑफ लिंक लिस्ट नोड हैविंग इंटीजर डेटा तो यहाँ पर हम लोग एक नोड क्रिएट कर रहे हैं जो है कि एक स्ट्रक्चर का है ठीक है तो हम लोग क्लास की यूज करके भी कर सकते हैं अगर हम लोग क्लास यूज कर रहे हैं तो उससे भी हम लोग नोड को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ मैंने स्ट्रक्चर यूज़ किया है तो स्ट्रक्चर का दो पार्ट यहाँ पर है एक इंट डेटा क्योंकि हमको एक ही इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है इंटीजर डेटा अगर हमको मल्टीपल डेटा स्टोर करना है तो डेटा पार्ट के लिए मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हैं सपोज़ इंटरॉल कैर नेम और फ्लोट मार्क्स तो डेटा पार्ट में मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकता है लेकिन नोट के लिए एक ही पॉइंटर हम लोग क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट नोट के लिए नेक्स्ट नोट का एड्रेस स्टोर करने के लिए लिंक पार्ट या नेक्स्ट चीज हम लोग लिख सकते हैं वो एक ही मेरा पॉइंटर रहेगा ठीक है और ये स्ट्रक्चर को क्लोज करने के बाद यहाँ मैंने स्टार्ट एक और पॉइंटर बनाया जो कि हेड नोट का एड्रेस को स्टोर करेगा इसको हम लोग स्टार्ट भी नाम रख सकते हैं इसका हम लोग फर्स्ट भी नाम रख सकते हैं और हेड भी नाम रख सकते हैं या मैंने स्टार्ट जो है ये नाम रखा है फर्स्ट नोट का एड्रेस को ट्रैक करने के लिए ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि इंजर्शन कैसे हम लोग कर सकते हैं नोट का एक लिंक लिस्ट में तो पहला उसमें हम लोग कर रहे हैं इंजर्सन एट बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट या स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट तो पहले इसको समझ लेते हैं कि इसमें हम लोग आगे इंजर्शन किस तरह से करेंगे अगर कोई नोट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं सपोज कोई न्यू नोड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ये न्यू नोड जो हम लोग क्रिएट करेंगे ये आ, जो डायनेमिक इनिशिलाइसन मेथड है पॉइंटर के साथ उस मेथड से करेंगे डेट इज स्ट्रक्चर जो नोड है मेरा वो नोड टाइप का है तो नोड एस्ट्रिक एन पी टीआर इक्वेस्ट टू न्यू नोड यानी एन पी टी आर मेरा यहाँ पर न्यू नोड हो जाएगा तो जैसे हम नोड लिखेंगे नोड एस्ट्रिक एन पी टी आर इक्व टू न्यू नोड तो एक न्यू नोड मेरा क्रिएट हो जाएगा और इस आ, नोड में दो पार्ट मेरा रहेगा एक डेटा डेटा वैल्यू स्टोर करने के लिए हमने ऊपर डिक्लेयर किया था इंट डेटा तो ये डेटा पार्ट के लिए हो गया ये और ये हो गया नेक्स्ट पॉइंटर के लिए यानी जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा तो जब हम लोग एक नया नोड क्रिएट करते हैं तो अभी लिस्ट में और भी कोई नोड नहीं है तो ये जो नोड है ये मेरा फर्स्ट नोड होगा तो इस नोड का एड्रेस हम लोग को जो है एक स्टार्ट पॉइंटर यानी जो फर्स्ट पॉइंटर होगा यानी कि जिससे पता चले है कि मेरा ये नोड फर्स्ट नोड है उसमें स्टोर करना होगा जो न्यू नोड है इसका एड्रेस तो इसलिए हम लोग को लिखना होगा स्टार्ट इक्वल्स टू एनपीटीआर ठीक है स्टार्ट इक्वल्स टू एनपीटीआर तो यहां पर सपोज अगर ये नोड सबसे पहले क्रिएट किए हैं तो इसका एड्रेस जो है स्टार्ट में स्टोर करना पड़ेगा स्टार्ट का वैल्यू बिगनिंग में नल होता है यानी उसमें कोई एड्रेस नहीं होता अगर एक लिंक लिस्ट अभी क्रिएट नहीं हुआ एम है तो स्टार्ट का वैल्यू नल होगा ओके तो जैसे एक नोड क्रिएट कर लेते हैं अगर वो फर्स्ट नोड है तो स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड हम लोग कर देते हैं न्यू नोड जो मैंने ऊपर में एन पी जो है उसका एग्जांपल दिया था उसका थ्रू लेकिन अगर ये फर्स्ट नोड नहीं है अगर ऑलरेडी उसमें नोड है सपोज दो नोड पहले से ही मेरा लिंक लिस्ट में स्टोर है हैविंग डेटा वैल्यू ट्वेंटी एंड थर्टी तो ये दोनों जो है पहले से स्टोर है और बिगिनिंग से हमको इंसर्ट करना है तो ये जो न्यू नोड हम लोग का है ठीक है तो इस नोड का जो एड्रेस है यहाँ पर इस ये जो ये जो एड्रेस है स्टार्ट में स्टोर होना चाहिए और इसका जो एड्रेस है सेकेंड नोड का एड्रेस वो यहां पर स्टोर होना चाहिए ओके तो न्यू नोड तो इसको हम लोग कैसे करेंगे इसको आगे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे एल्गोरिथम्स में समझेंगे कि किस तरह से हम लोग उसका साइन करते हैं तो जब भी न्यू नोड हम लोग का स्टोर होगा तो अगर ऑलरेडी पहले से नोड है तो फर्स्ट नोड जो प्रीवियस फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस जो न्यू नोड का एड्रेस पार्ट है इसमें स्टोर करना पड़ेगा और न्यू नोड का एड्रेस जो है स्टार्ट में स्टोर करना पड़ेगा तो जो न्यू नोड है मेरा अब वो स्टार्ट नोड हो जाएगा और जो प्रीवियस फर्स्ट नोड था वो मेरा सेकेंड नोड हो जाएगा ओके तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या स्टेप्स होगा एक नोड uh, क्रिएट करने के लिए सिंगली लिंक लिस्ट में तो फर्स्ट स्टेप है क्रिएट न्यू नोड न्यू नोड क्रिएट कर लेंगे और सेकेंड फील्ड डेटा इनटू डेटा फील्ड जो भी उसका डेटा फील्ड uh, है उसमें डेटा स्टोर कर लेंगे हम लोग मेक इट्स पॉइंटर और नेक्स्ट फील्ड एज नल और जैसे न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा उसका एड्रेस पार्ट जो है या लिंक पार्ट या नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें नल स्टोर कर देंगे अटैच दिस न्यूली क्रिएटेड नोट टू स्टार्ट ठीक है अब ये न्यूली क्रिएटेड जो नोट है अगर फर्स्ट नोट है तो स्टार्ट में इसको स्टोर कर देंगे यानी अटैच कर देंगे विथ स्टार्ट लास्ट पॉइंट क्या मेक न्यू नोड एज स्टार्टिंग नोड। और जो न्यू नोड है अब मेरा बन जाएगा क्या स्टार्टिंग नोड। तो लेट सी एल्गोरिथम नो सी फ्रॉम द स्टेप नंबर टू क्रिएट अट नोड कैसे क्रिएट किया मैंने नोट एस्टिक एन पी टी आर इक्वल्स टू न्यू नोट ठीक है तो ये जो न्यू पॉइंटर है ये सी प्लस प्लस में हम लोग यूज़ करते हैं टू इनिशलाइज अ पॉइंटर डायनेमिकली तो पॉइंटर को डायनेमिकली इनिशलाइज करने के लिए हम लोग न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं न्यू को हम लोग कीवर्ड नहीं उसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं ठीक है तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो काम हम लोग जो टास्क हम लोग मैलॉग फंक्शन से करते थे वो हम लोग यहाँ पर न्यू पॉइंटर से करते हैं न्यू ऑपरेटर से करते हैं इस लाइन का लिखने से क्या होगा इस लाइन का लिखने से अगर मेमोरी अवेलेबल है तो एक न्यू नोड के लिए मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा ओके तो जैसे ही हम लोग न्यू नोड क्रिएट कर लेंगे तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये न्यू नोड जो एनपीटीआर से डिनोट हो रहा है ये इसके लिए मेमोरी अवेलेबल था कि नहीं तो अगर एनपीटीआर नल रह जाता है यानी कि उसको मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ एनपीटीआर के लिए तो इफ एन पी टी आर नल देन प्रिंट नो स्पेस अवेलेबल अबाउटिंग गो टू स्टेप स्टेप सिक्स एंड का स्टेप है लेकिन एन पी टी आर अगर नल नहीं होता है ठीक है एल्स गो टू स्टेप थ्री नल नहीं है ठीक है थीके? तो जैसे न्यू नोट मेरा क्रिएट हो गया है तो स्टेप थ्री में देखिए एट द एलिमेंट आइटम इन द डेटा फील्ड ऑफ द नोड तो आइटम क्या आइटम कोई वेरिएबल हो सकता है या कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू हो सकता है जो हम उस डेटा पार्ट में स्टोर करेंगे ठीक है तो

अब हम लोग चेक करेंगे स्टेप फोर से कि अगर ये फर्स्ट नोड है ठीक है फर्स्ट नोड कैसे पता चलेगा अगर स्टार्ट का वैल्यू नल है मींस कोई भी नोड पहले से नहीं था यानी कि अभी जो मेरा एन न्यू नोड क्रिएट हुआ है ये मेरा फर्स्ट नोड था सो इफ स्टार्ट इक्व टू नल अगर स्टार्ट नल है तो ये जो मेरा न्यू नोड है इसका लिंक पार्ट में नल ही रहना चाहिए क्योंकि यही मेरा फर्स्ट और यही मेरा लास्ट नोड होगा तो एनपीटीआर एरो लिंक equals टू नल ठीक है लेकिन अगर ये न्यू नोड नहीं है अगर ऑलरेडी पहले से नोड है एल्स तो क्या करना है एनपीटीआर एरो लिंक equals टू स्टार्ट अब इसका मतलब क्या हुआ एनपीटीआर एरो लिंक जो न्यू नोड हमने क्रिएट किया है उसका लिंक पार्ट में स्टार्ट को स्टोर कर देना स्टार्ट का मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो फर्स्ट नोट था यानी प्रीवियस फर्स्ट नोट था वो मेरा स्टार्ट नोट है उसको हम लोग स्टोर कर दे रहे उसका एड्रेस वो कहां पर न्यू नोट का लिंक पार्ट में ओके okay? तो उसको यहाँ समझिए ये जो लाइन है एनपीटीआर एरो लिंक इक्व टू स्टार्ट इसका मतलब हो गया एनपीटीआर एरो लिंक यानी कि ये नेक्स्ट यहां पर नेक्स्ट लिखा हुआ आ, मैंने प्रोग्राम में आ, लिंक लिखा हुआ उसको तो तो जो न्यू है नहीं न्यू arrow link और ये था पहले का का तो हो गया पर न्यू का पार्ट में ठीक है तो इस लाइन से यही होगा अगर पहले से नोड है तो उसका फर्स्ट नोड जो है वो अब स्टोर हो जाएगा जो न्यू नोड का लिंक पार्ट में तो जो मेरा न्यू नोड है वो और जो प्रीवियस फर्स्ट नोड था वो मेरा लिंक हो जाएगा ठीक है फिफ्थ में क्या गया सेट द स्टार्ट पॉइंट फर्स्ट नोड अब इसमें मेरा सेकेंड नोड पहले था अब स्टार्ट मेरा जो न्यू नोड है वो स्टोर होना चाहिए स्टार्ट में इसलिए मैंने क्या लिखा है स्टार्ट इक्वल टू एन पी टी आर यानी जो न्यू नोड है अब वो मेरा हो गया स्टार्ट पॉइंटर ठीक है समझ में आ गया और इसी के बेसिस पर यहां पर फंक्शन क्रिएट किया गया तो सेम यहां पर जो भी स्टेप्स इस है इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस तो इसको आप लोग देख सकते हैं इजिली समझ में आ जाएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं ओके okay? तो यहीं तक रहने देते हैं आज तो इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिंगली लिंक लिस्ट एंड द एडिशन ऑफ नोट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग